नमस्कार। पहले तो फरुखाबाद की नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद बा आभार, जिन्होंने हमें 32,668 वोट देकर अपना आशीर्वाद दिया। और ये एक बहुत खुशी की बात है। ठीक है, हम चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, पर यहाँ के वोटरों में जो उत्साह था, जो बदलाव का उनका मन था, वो वोटों में दिखा भी। दूसरी चीज़, ये चुनाव आप लोगों को हराया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक बात बताइए, कैंडिडेट अंदर बैठा हुआ है, उसको ये तक दूसरे राउंड के बाद नहीं बता जा रहा है कि काउंटिंग में क्या चल रहा है। दूसरे राउंड के बाद अनाउंसमेंट तक बंद कर दी जा रही है, किसी को खबर ही नहीं है, हमारे एजेंटों को नहीं पता है क्या चल रहा है। कैंडिडेट एकता सिंह को नहीं मालूम है, वो अंदर बैठी हूँ कि आर ओ टेबल से क्या रिपोर्ट आ रही है। तीन राउंड तक, सेकेंड राउंड के बाद दूसरे प्रत्याशी मात्र 1700 वोटों से ही आगे चलते रहे हैं। ऐसा पहला चुनाव हुआ है जिसमें प्रत्याशी लगातार राउंड दर राउंड 1700 वोटों से आगे चल रहा है। ऐतिहासिक चुनाव था ये। चौथी चीज़ जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो आर ओ टेबल पर जो हमारे मतगणना एजेंट थे, जब टेबल पर काउंटिंग होती है उसके बाद उन सबसे साइन करा के जो आर ओ टेबल पर सीट जाती है उस पर से किसी के भी साइन नहीं कराए, आर ओ टेबल तक वो बिना सीट के साइन करके पहुंचा गया, जिसका हमारे लोगों ने भी शुरुआत में विरोध किया। जिस बूथ की बात हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी के 310 वोट निकले थे और लिखे गए उसमें किस दूसरी पार्टी के वोट उसमें 120 निकले थे, वहाँ उस मत पर उनके 200 वोट निकले गए। जब तक दूसरी पार्टी ने उसका विरोध भी किया, हमारे लोगों ने विरोध भी किया, पर उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रात तक हम लोग भी रिकाउंटिंग की मांग करते रहे, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पांचवी चीज़, एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसका चुनाव चिन्ह है रिक्शा, उसको 2119 वोट मिल जाते हैं। ये बताइए, साइकिल और रिक्शा आप चिन्ह देखिए समान जैसा है, हमारा वोट गया कहाँ होगा? हमें 2800 से आप, ठीक है जो भी निर्णय था, चलिए हम जनता का निर्णय मानते हैं, पर जो भी वोट था, एक डमी कैंडिडेट को 2119 वोट कैसे मिल सकते हैं जिसका चुनाव चिन्ह रिक्शा हो? हमारे एजेंटों ने कई जगह विरोध किया, कहने की जरूरत पड़ी, हमारी प्रत्याशी एकता सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन भी दी, पूछा गया, तभी कोई जवाब नहीं दी गया। शाम से कैंडिडेट को नहीं पता है कि उसको कितने वोट मिल रहे हैं राउंड दर राउंड। सेकंड राउंड के बाद एकता सिंह प्रत्याशी थी, उन तक को ये नहीं पता था कि सेकंड राउंड के बाद हमको कितने वोट मिल रहे हैं। हमारी टेबलों पे अच्छे वोट निकल रहे हैं, हमारे काउंटिंग एजेंट कह रहे हैं हमारे अच्छे वोट निकल रहे हैं, और हम तीनों राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, तो हम 1700 से ही पूछे हैं। एक बात तो नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, जो आगे की कार्रवाई है वो करी जाएगी, पर जनता ने जो हमें मत दिया है, जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया, जनता ने भरपूर वोट दिया हमको, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और मैं अपने विरोधियों को धन्यवाद देता हूँ उनकी चुनाव जीत पर, जैसी भी जीत हो, पर एक बात वो भी ध्यान रख लें, 32,668 वोट तो जनता ने हमें लिखित में दिया ही है ना, बाकी जो इधर उधर हेरा फेरी हुई उसकी बात नहीं हो रही है। हमें पता हमें कितना वोट मिला है, हमें चुनाव कहाँ पर है हमको मालूम है, ये बात आप भी ध्यान रखें। अब आप गलत काम करेंगे तो उस जनता का भी जवाब, और जो जनता अन्य पार्टियों का भी जो वोट है, जिसको जो वोट आपको नहीं मिला है, जनता की जवाबदेही आपकी बनेगी, और हमें आपके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े, हम 5 साल आपके कार्यकाल का जवाब हर टाइम आपसे मांगेंगे। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अब आप घर बैठ जाएंगे और अपने यहाँ बैठ के कार्य करेंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाब तो आपसे लेंगे, क्योंकि जनता ने हमें प्यार और मत और अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरी चीज़ कि जब इलेक्शन काउंटिंग रिकाउंटिंग की बात हो रही थी तो वहाँ पे वर्तमान मौजूदा सदर विधायक और सांसद काउंटिंग में क्या कर रहे थे? मेरे पिता विधायक थे, कोई भी विधायक, सांसद, MLC, कोई भी किसी का भी पास ये पावर नहीं है कि आप काउंटिंग एजेंट जाके RO टेबल पे बैठ के आप क्या कर रहे थे। आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, इसका मतलब यही है शुरुआत से कि आप चाहते ही नहीं थे। पहले तो आप वोट ट्रांसफर कराते रहे, जब कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी जनता ने हमें प्यार और समर्थन दिया, वोट दिया, उसके बाद भी आपने हमारा वोट रिक्शे में डलवाया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला तो आप हमारा वोट कटवाते रहे। दूसरे राउंड के बाद हमारे लोग बताते रहे कि हम बढ़त में हैं, हमारे टेबलों पर अच्छे वोट निकल रहे हैं, उसके बाद भी हमें लीड हमारी कम नहीं हुई, उतने ही वोट उनको मिलते रहे, 1700 की लीड जारी रही। एक बात मुझे नहीं समझ में आई कि 1700 का क्या आंकड़ा था जो 1700-1600 भी आंकड़ा रहा, इतना बड़ा चुनाव होता रहा कि आंकड़े ही नहीं खत्म हुए। पांचवें राउंड के बाद आप, दूसरे राउंड के बाद आपने काउंटिंग बंद कर दी, एजेंट को बताना बंद कर दिया, एकता सिंह प्रत्याशी उनको बताना बंद कर दिया, आप सीधा पांचवा राउंड छठा राउंड बताने लगे। धांधली का मैं कहता हूँ हुई नहीं हुई ये तो जनता जनता जानती है,
पर इसका जवाब ये तो मान लीजिए यहाँ जो प्रतिनिधि है, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये जनता ने वोट दिया था, जनता में उत्साह था, जनता बदलाव चाह रही थी और इसका जवाब आपको जनता की अदालत में मिलेगा जरूर। और समय एक जैसा नहीं रहता है कभी भी किसी का, बदलता जरूर है, घड़ी की सुई है, चलती रहती है। आज हमारा खराब है, कल किसी और का भी खराब होगा, कोई बात नहीं, आज हमारी नहीं सुनी गई, हमसे जो कार्रवाई होगी हम ऊपर जाएंगे, कहीं जाना पड़े वहां जाके अपनी बात तो रखेंगे कम से कम। और मैं फर्रुखाबाद की जनता का फिर से आभार प्रकट करता हूँ जिसने इस समय इस घड़ी में हमको इस लड़ाई में बहुत ताकतवर बनाया और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए किसी का दबाव नहीं मानेंगे। और ये तो सबको मालूम है कि जैसे चुनाव जीता गया उनकी मदद किसने करी है, सत्ताधारी तक लोग इसमें मिले रहे पूरी तरह कि कैसे भी हम लोग चुनाव ना जीत जाए, अपनी पार्टी तक को लोगों ने हराया, दूसरी पार्टी तक को वोट ट्रांसफर कराए, फिर जब तब भी नहीं दाल गली तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को चुनाव में हरवाने का कार्य किया, सब मिली भगत से। मैं आप सबका जनता का आभार प्रकट करता हूँ, बाकी आपकी लड़ाई का लड़ने काम विजय सिंह का परिवार, हम, मैं, अविनाश सिंह, अभिषेक सिंह, एकता सिंह, दमयंती सिंह, हम सब ये लड़ाई लड़ने का कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।